नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। शरद पवार ने राज्यपाल पर साधा निशाना, मुझे कभी किसी गवर्नर ने लड्डू नहीं खिलाया। बीजेपी सांसद और न्यूज एंकर के खिलाफ जयपुर में एफआईआर, राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का है आरोप। अमरावती मर्डर को लेकर नवनीत राणा ने पुलिस चीफ पर उठाए सवाल, कहा डकैती का शक्ल देने की कोशिश। बिहार के मोतिहारी में एक पैसेंजर ट्रेन में लगी भीषण आग, यात्रियों को नीचे उतारा गया। भारत ने की अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट की आलोचना, गलत तरीके से फैक्ट पेश करने का लगाया आरोप। कर्नाटक में वकीलों पर फूटा जज का गुस्सा, कहा बेबुनियाद आरोप लगाते हो, साबित करो तो विधानसभा के सामने सिर कटवा लूंगा। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक, बागी विधायकों को लेकर मुंबई पहुंचे शिंदे, होटल में भाजपा और शिवसेना की संयुक्त बैठक हुई। मणिपुर लैंडस्लाइड में अब तक 30 लोगों की मौत, 18 को सुरक्षित बचाया गया, 35 की तलाश, एनडीआरएफ का रेस्क्यू मिशन जारी। सीएम योगी ने श्री भाग्य लक्ष्मी मंदिर में की पूजा अर्चना, बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं हैदराबाद। भाजपा नेताओं के पोस्ट पर कांग्रेस को एतराज, कांग्रेस बोली माफी मांगे नहीं तो लीगल एक्शन लेंगे। अमरावती टारगेट किलिंग में मुख्य आरोपी समेत 7 गिरफ्तार, नुपुर शर्मा का सपोर्ट करने पर उदयपुर से 740 किलोमीटर दूर हुई थी कन्हैया जैसी वारदात। ताजमहल पर पुरातत्व विभाग का जवाब, तहखानों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति नहीं, तृणमूल कांग्रेस के नेता ने आरटीआई से मांगी थी जानकारी। हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, नड्डा बोले मोदी सरकार ने लिया है नए भारत के निर्माण का संकल्प। उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को अजमेर से लेकर जयपुर के लिए रवाना हुई एनआईए टीम, दिल्ली ले जाते समय दिल्ली ले जाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में मुस्लिम प्रत्याशी की जीत पर गूंजा पाकिस्तान जिंदाबाद, कटनी में सरपंच के समर्थकों ने लगाए पाकिस्तान जीत गया के नारे, सामने आया वीडियो। प्रयागराज में शख्स ने बताया खुद को रॉ एजेंट, शर्ट नहीं पहनता, अंग्रेजी में देता जुबा। मौलाना तौकीर रजा बोले उदयपुर घटना में भाजपा आरएसएस का हाथ, जिसने भी हत्या वो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के है सदस्य। झांसी में बनेगा एनडीआरएफ का सेंटर, आपदा से निपटने के लिए 47 जवान, अब तक गाजियाबाद से आने में 12 घंटे लगते हैं। गाजियाबाद नोएडा में आधी रात तक लगा जाम, ग्रेनो वेस्ट की सड़कों पर कई किलोमीटर लंबी लाइन, 4 से 5 घंटे फंसे रहे लोग। लॉ के छात्र के कई टुकड़े किए मेरठ में, दोस्तों ने ही मर्डर कर नाले में फेंका, कुकर्म किया।
कन्नौज के जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही, एक्सपायरी किट से हो रही थी मलेरिया की जांच, नई किट भी जुलाई में हो जाएगी एक्सपायर। प्रतापगढ़ की पहली महिला स्टेशन मास्टर बनी स्मृति राव, पदभार ग्रहण करने से महिलाएं खुश, पिता भी इसी स्टेशन पर थे तैनात। बलात्कार का आरोपी जिला पंचायत सदस्य फरार, देवरिया के वार्ड 20 से निर्वाचित है सुनील निषाद, 26 दिन पहले केस दर्ज। गैंगस्टर राजोल सिंह की करोड़ों की संपत्ति जब्त, प्रशासन ने दिव्यानंद आश्रम को किया सील, दलित युवती हत्याकांड में भेजा गया है जेल। लखीमपुर खीरी में सड़क हादसे में 4 की मौत, बस ने बाइक को मारी टक्कर, मौके पर मौत। हजार परिवारों को नहीं मिले ड्रेस का पैसा, हरदोई में शिक्षा विभाग से हुई लापरवाही, बीते सत्र का रुपया नहीं हुआ रिलीज। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 के इनामी मनीष को लगी गोली, अभियुक्त सगे भाई के साथ गिरफ्तार। अस्पताल से गायब डॉक्टर, चली गई महिला की जान, फिरोजाबाद में प्रसव पीड़ा होने पर महिला को भर्ती कराया था। अवैध खनन पर एसडीएम ने की छापेमारी, यमुना खादर में हो रहा था बालू खनन, अधिकारियों ने कहा खनन होने दे। हाई अलर्ट के बीच कांवड़ियों की सुरक्षा का खाका तैयार, बरेली समेत 9 जिलों में सुरक्षा के लिए बदल कर मौजूद रहेगी पुलिस। कन्नौज में बीएड के छात्र छात्राओं का प्रदर्शन, एडीएम से मिलकर की प्रबंधक की शिकायत, कहा नहीं दे रहे एडमिट कार्ड। जालौन में सिंचाई विभाग के क्लर्कों की दबंग गई, चपरासी ने शराब पीने से मना किया तो भड़के, जमकर बरसाए लात घूंसे। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की संपत्ति जब्त, अलीगढ़ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई, जिला बदर चल रहे हैं तेजवीर सिंह। गैंगस्टर की प्रॉपर्टी कुर्क, मथुरा पुलिस ने जुबैर की अवैध संपत्ति पर डीएम निगरानी में लगाया ताला। फतेहपुर में घर में घुसकर प्रेग्नेंट प्रेमिका की हत्या, अबॉर्शन की दवा लेने से लड़की ने मना किया तो प्रेमी ने गला काट दिया था। कन्नौज में 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक की मौत, झपकी आने से पलटा ट्रेलर, चालक और खलासी घायल। एटा में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, दहेज हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, तीसरा आरोपी अवैध असलहे के साथ पकड़ा गया। फरुखाबाद में सड़क हादसे में युवक की मौत, ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, सड़क पर चल रहा था निर्माण। मिर्जापुर में वन महोत्सव का डीएम ने किया शुभारंभ, तैयार है 1.03 करोड़ पौधे, निःशुल्क किया जा रहा वितरण। शाहजहांपुर में सिलेंडर फटने से पूर्व प्रधान समेत 4 महिलाओं की मौत, 6 लोग घायल। उन्नाव में रंजिश के चलते युवक की हत्या, 5 बदमाशों ने कमर में मारी गोली, हवाई फायरिंग कर फरार हुए।
रामपुर में धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश, हाईवे जाम कर मुस्लिम युवक को दी गई धमकी। सीतापुर में फेसबुक विवाद के बाद दबंगों ने मारी गोली, घर के बाहर बैठा युवक गोली लगने से घायल, तीन दबंगों पर लगा आरोप। आगरा में एसडीएम ने बुजुर्ग को दो घंटे जमीन पर बैठाया, पीड़ित बोला कुर्सी पर बैठने लगा तो भड़क गए, मेरे सफेद बालों का लिहाज भी नहीं किया। मुल्ला अशरफ आसिफ जलाली के गुर्गों की पाकिस्तान से धमकी, कहा इंडिया को बनाएंगे पाकिस्तान, सूफी खान कहा एसोसिएशन को भुगतान होगा, भुगतना होगा अंजाम। उत्तराखंड की सड़कों पर कहर बनकर टूटा मानसून, आज चार जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड की सियासत में फिर उठा मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा, कोर्ट जाएंगे हरीश रावत। उत्तराखंड के वित्तीय अनियमितता में पूर्व मंत्री की करीबी दमयंती पर कसा शिकंजा, तीन सदस्य जांच कमेटी गठित। हरीश रावत का विरोधियों पर प्रहार, सोशल मीडिया पर लिखे इस पोस्ट की कांग्रेस में जबरदस्त चर्चा। मां और मासूम से दुष्कर्म का मामला, वकीलों का आरोप, वकीलों ने आरोपियों का केस लड़ने से किया इनकार, पूरी दास्तां सुनकर दिल्ली लौटे। रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल पर अनुशासनहीनता और रिश्वत मांगने का आरोप, उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का भी आरोप। उत्तराखंड के सात जिलों में मिले 40 नए कोरोना संक्रमित, रिकवरी दर 95.83 और संक्रमण दर 3.09% दर्ज। उत्तराखंड में बिना नोटिस 53,000 केंद्रीय पेंशनरों को केमिस्ट से दवा वितरण बंद, अब पीएम मोदी से लगाई गुहार। शैक्षिक चिंतन शिविर में सरकारी स्कूलों में घट रही छात्र संख्या से सीएम धामी चिंतित, अफसरों को दिए दिशा निर्देश। शादी से इनकार पर प्रेमी हुआ आग बबूला, मां बेटी पर चाकुओं से किए ताबड़तोड़ वार। मौसम की मार, बारिश के बाद उत्तराखंड में 107 सड़कें बंद, जगह जगह फंसे यात्री। पानी में पिकनिक मना रहे 11 लोग नदी में फंसे, मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम, युवकों को रस्सी के सहारे किया रेस्क्यू। कावड़ यात्रा की तैयारी में लापरवाही पर भड़के डीएम, 10 जुलाई तक बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त करने के दिए निर्देश। भारी बारिश के साथ बिजली गिरने से 70 भेड़ बकरियों की मौत, चाकशील बुग्याल में हुआ हादसा, मौसम विभाग का अलर्ट। हैदराबाद में सीएम धामी का स्वागत, फेसबुक पर तस्वीरों के साथ किए अनुभव साझा। इमरान की बेगम का ऑडियो लीक, बुशरा ने मीडिया हेड से कहा था हमारे खिलाफ बोलने वालों को देशद्रोही बना डालो। चीन के शिनजियांग में 5.2 की तीव्रता का आया भूकंप, दो दिन में दूसरी बार डोली धरती।
ने ओडिशा में 21 मौतों के बाद माइक्रोलीव को हिलाया, पूर्वी शहर पर तेज किए हमले। लीबिया में बिजली और रोटी मांग रही जनता, हिंसक भीड़ ने संसद में लगाई आग, यूएन ने की हमले की निंदा। ऑस्ट्रेलिया के निशाने पर आई पुतिन की गर्लफ्रेंड अलीना काबेबा, लगाए गए प्रतिबंध। मैक्सिको में शख्स ने की मगरमच्छ से शादी, मगरमच्छ को पहनाई गई सफेद ड्रेस, रस्म पूरी होने के बाद दुल्हे ने किस भी किया। किम जोंग का अजीबोगरीब दावा, एलियन की वजह से फैल रहा कोरोना, एलियंस ने गुब्बारे में वायरस भरकर फेंका था। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार पर हमला, कार से घसीटकर बाहर निकाला, एक दिन पहले सेना प्रमुख के खिलाफ बयानबाजी की थी। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने राजनीतिक दलों पर कसा तंज, बोले पार्टियां चाहती है कोर्ट उनके एजेंडे का सपोर्ट करे, हम सिर्फ संविधान के प्रति जवाब दें। पाकिस्तान के चुनाव में सिद्धू मूसेवाला के पोस्टर, इमरान खान की पार्टी कर रही इस्तेमाल, लोकप्रियता भुनाने की कोशिश। अमीरों के लिए अच्छा नहीं गुजर रहा 2022, 6 महीने में दुनिया के 500 सबसे अमीर लोगों ने गंवाए 111 लाख करोड़ रुपए। दुनिया के चौथे सबसे अमीर बिजनेसमैन का रिज्यूमे माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स ने शेयर किया अपना 48 साल पुराना सीवी। आरआई केबल मामले में गिरफ्तार दो आरोपित, 8 दिनों की ईडी हिरासत में स्पेशल कोर्ट ने दिया फैसला। परेशानियों से घिरे पाक पर एक और नया संकट, 250 रुपए प्रति लीटर बिक रहा पेट्रोल, सरकार ने घुटने टेके। जीएसटीआर फाइलिंग में नियमों के अनुपालन पर प्रभात खबर को मिला जीएसटी प्रमाण पत्र, सीबीआई ने दिया प्रोत्साहन। टेस्ला के कर्मचारियों की बड़ी मुश्किलें, एलॉन मस्क ने बताया अगले 3 महीने में लोगों की होगी छुट्टी। घरेलू क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर को अपनी मर्जी से बिक्री की परमिशन, किसी भी रिफाइनरी को बेच सकेंगे। क्रिप्टो मार्केट में गिरावट से लेंडिंग फर्मियों के लिए बड़ी मुश्किलें, कारोबार बढ़ाने के लिए बहुत इंटरेस्ट रेट पर लोन की पेशकश की थी। टोयोटा एसयूवी से उठा पर्दा, कनेक्टेड और हाइब्रिड एसयूवी खुद होती है चार्ज। सोना हुआ 770 रुपए महंगा, चांदी 2734 रुपए सस्ती, इस हफ्ते कीमतों में आया बड़ा उतार चढ़ाव। लगातार 37 मैच जीतने के बाद हारी वर्ल्ड नंबर 1 ईगा को, फ्रांस की एलीज कॉर्नेट ने हराया जोकोविच, नडाल भी चौथे दौर में। न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर कोरोना संक्रमित, टॉम लॉथम को मिल सकती है टीम की कमान। दीपक हुड्डा के अर्धशतक से भारत ने डर्बी शायर को 7 विकेट से हराया, उमरान अर्धदीप भी चमके।
आईपीएल विवाद से अब आगे निकल गए हैं शतकवीर रविंद्र जडेजा, बोले जो हो गया वो हो गया। इकतालीसवें जन्मदिन से पहले लंदन पहुंचे महेंद्र सिंह धोनी, पत्नी साक्षी ने शेयर की तस्वीर। बुमराह को नो बॉल ने दिलाए दो विकेट, खुद बुमराह को ही भरोसा नहीं हो रहा था, उन्हें कुल तीन विकेट मिल चुके हैं। पांचवें टेस्ट में टीम इंडिया हावी, 84 रन पर इंग्लैंड की आधी टीम लौटी पवेलियन, कप्तान बुमराह ने लिए तीन विकेट। बुमराह ने दिलाई युवराज की याद, ब्रांड के ओवर में यूवी ने लगाए थे 6 छक्के, अब जसप्रीत ने 4 चौके और 2 छक्के जड़े। पीएम नरेंद्र मोदी से तारीफ पाकर अभिभूत हैं मिताली राज, कहा इससे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। रिद्धिमान साहा को मिला बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन से एनओसी, कहा मुझे इस कैब से कोई शिकायत नहीं। जुग जुग जियो के डायरेक्टर ने फिल्म पर की बात, बोले क्लाइमैक्स में थप्पड़ वाले सीन के लिए 15 से 20 रीटेक लेने पड़े। कनाडा टूर के दौरान बढ़ी कॉमेडियन कपिल शर्मा की मुश्किलें, 7 साल पुराने मामले में दर्ज हुआ केस। शमशेरा का बीटीएस वीडियो आया सामने, फिल्म के लिए संजय दत्त ने की कड़ी मेहनत, 22 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म। केत की चितले ने गिरफ्तारी को लेकर किया खुलासा, बोली जेल में मेरे साथ छेड़छाड़ और मारपीट हुई, अपनी पोस्ट पर भी दी सफाई। संजय दत्त ने बांधे आर माधवन की फिल्म रॉकेट्री की तारीफों के पुल, बोले अविश्वसनीय कहानी। नुपुर शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज अनुपम खेर, एक्टर बोले जज साहब अपने सम्मान के लिए कुछ सम्मानजनक करें। तापसी ने किया शाबाश मिठू के बजट का खुलासा, बोली फिल्म का बजट मेल एक्टर की फीस बराबर, इंडस्ट्री में अभी भी पेमेंट डिस्पेंट्री है। कॉफी विद करण 7 का ट्रेलर रिलीज, 7 जुलाई से ओटीटी पर स्ट्रीम होगा। करण जौहर का शो, अक्षय सावंत, सारा जानवी समेत कई सेलेब्स होंगे शामिल। रणदीप हुड्डा ने निभाया भाई का फर्ज, अंतिम संस्कार के बाद सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर के लिए रखी प्रेयर मीट। सुनील शेट्टी ने शेयर किया बीटीएस वीडियो, अंडर वाटर एक्शन करते नजर आए एक्टर, बोले पानी में रहना कभी कभी अच्छा लगता है। शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।